देखिए, ब्लैक मनी को लेकर उन्होंने जो कहा है हम पूरी तरह से सहमत हैं कि हमें पैरेलल इकोनॉमी की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है ट्रांसपेरेंसी की, कंटिन्यूटी की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आपकी टैक्सेशन रेट ठीक होगी तो हम नहीं चाहते हैं कि आप रात की नींद आपको खराब हो। आज उन्होंने टैक्स रेट कम किया, जो 32-33% कॉरपोरेट टैक्स था उसको घटाकर 25% कर दिया, तो कोई और अगर आप हो सकता है 2-3 साल बाद उसको और कम कर दिया जाए। इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू कम्प्लाई। अगर आपको पहले टैक्सेशन रेट मुझे याद है 90-95% हुआ करती थी, अगर आप सब मिलाएं डिफरेंट टैक्स रेट्स को, तो एक आपको रीजन था कि भाई हम इतनी हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अल्टीमेटली तो सब टैक्स में चला जाता है, तो आदमी ट्राई करता था कि कैसे उसको क्या किया जाए। मैं जनरल मतलब वो बात करता हूँ सेंटीमेंट्स की। अब आपको लगता है कि हमें 20-25% टैक्स देना है और अल्टीमेटली हमें ही फायदा होता है। आज आप सोशल सेक्टर में रुपया लगेगा, आज आपके पब्लिक सेक्टर में लगेगा, हॉस्पिटल्स में जाएगा, मेडिकल में जाएगा, टैक्स अल्टीमेटली जाता कहाँ है? ये देखिए सोशल सेक्टर में जाएगा ना, जो मैंने कहा हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, रोड्स में, तो वहां तो रुपया चाहिए, तो हमें सबको कंट्रीब्यूट करना है, अल्टीमेटली उसका फायदा तो हमें को मिलता है। तो आपको 20-25% अगर टैक्स देके सुख शांति मिलती है तो आप क्यों चाहेंगे कि आपका रुपया बाहर रहे? आप क्यों चाहेंगे कि आपका ब्लैक मनी क्रिएट हो? आज इंडिया में सेविंग्स रेट के ऊपर 8-9% आपको इंटरेस्ट मिलता है, बाहर तो कुछ नहीं मिलता है। अगर आप बाहर का सेविंग्स रेट देखेंगे तो वहां पर तो पैसा रखने का भी पैसा लगता है, वहां लोकर रखने का आपको रेंट देना पड़ता है, तो क्या रीजन है कि आप बाहर रुपया रखेंगे? तो ब्लैक मनी को उन्होंने जो स्टेप लिया है, इससे लोगों में एक मैं हिंदी में बोलूंगा कि बिनु भाई होय न प्रीत, डर के बिना कोई प्यार नहीं होता है। तो आज उन्होंने ये जो दिखाया है ना कि 10 साल आपको रिगोरस इम्प्रिजमेंट होगा, तो आदमी को अपने आप रास्ते पे आने के लिए उन्होंने सही कहा कि भैया आप सीधे रास्ते से काम करोगे तो हम आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम आपको सब सुविधाएं देंगे, पर अगर आप गलत ट्रैक में जाओगे तो आपको भुगतना भी पड़ेगा। हाँ देखिए, हम इसको आइदर और की कभी बात नहीं करते हैं कि एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री है कि नहीं, हमें दोनों की जरूरत है, 1 और 11 होते हैं। अब एग्रीकल्चर से हम एग्रो इंडस्ट्री में चले गए तो वो तो एक ही बात है, एग्रीकल्चर टू एग्रो इंडस्ट्री। अल्टीमेटली आइडिया ग्रोथ होने की, एग्रीकल्चर के अंदर भी हम कैसे इसको और मॉडर्नाइज करें, कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। अल्टीमेट आइडिया क्या है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, तो एग्रीकल्चर के अंदर आज इंडिया में जो स्ट्रेंथ है उसको हमें एक्सपोर्ट में यूज करें, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उसकी क्वालिटी बढ़ाएं। आज अगर हमारी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उसी प्रोडक्ट को हम अच्छे दाम में सेल कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली रुपया तो इकोनॉमी में आएगा। तो इट्स ए कंटिन्यूअस चेन प्रोसेस, हाउ वी आर मोर प्रोडक्टिव, हाउ वी आर मोर प्रोग्रेसिव, और हमें लॉन्ग टर्म विजन देखना है। एक तो होता है बिग बैंग अनाउंसमेंट कि आज आपने कुछ मेजर अनाउंस कर दिया, और दूसरा होता है कि हमें रोड मैप करना है। तो ये बजट जो है रोड मैप क्लियर कर रहा है, इससे आपको कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक एंड डेफिनेटली वील अचीव ग्रोथ। ये बड़ा सकारात्मक फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, उद्योग जगत को सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है कि हमें बिजनेस करने में सुविधा रहेगी, बिजनेस करने में आराम रहेगा, क्योंकि जैसे इंडस्ट्री में आप इंटर करते हैं वैसे ही इंडस्ट्री से निकलना भी बहुत टफ होता है कई बार। तो आज जो बैंक्रप्सी कोड अनाउंस किया गया है उससे आपको ये भी कल को लगता है कि हाँ हमारा ये बिजनेस सस्टेन नहीं हो पा रहा है, हमारा बिजनेस नहीं हो पा रहा है, तो आप उससे निकल पाएंगे। तो और ये सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको देखिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए हर एक चीज का, कि आज हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं, लाइसेंस है, कोई परमिशन लेना है, तो टाइम फ्रेम रहेगा तो आपको मन में विश्वास रहता है कि चलो हमको 2 दिन में मिलना है, चलो 2 दिन नहीं 3 दिन में मिल जाएगा, पर अनसर्टेनिटी का वातावरण नहीं रहना चाहिए। फिर लगता है कि हमारे पुराने कोई केस हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमें आगे बढ़ना है, तो इंडस्ट्री इससे काफी खुश है और इंडस्ट्री और कॉन्फिडेंट होकर इन्वेस्टमेंट करेगी। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट अपने आप ही विकास बढ़ेगा।